बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने सीखा था वाद का मखरिज, और अब है मखरिज नेक्स्ट ऑफ जुबान की नोक जब तालू के नरम हिस्से से लगे तो कॉफ अदा होता है। मखरिज मालूम करने का वही तरीका है जितने भी हम पीछे मुखारिज पढ़ चुके हैं साउंड्स के साथ, सबका मखरिज मालूम करने का तरीका एक ही है कि आपने अगर किसी भी हर्फ का मखरिज मालूम करना है तो उससे पहले अलिफ लगाएं और उस पर जो है जबर लगा दें। जब आप अलिफ पर कोई भी चीज़ लगा देते हैं जबर जैसे जज़्म शद मद कुछ भी, तो वो जो है अलिफ हमजा बन जाते। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? तो जब आप उसकी अदायगी करेंगे जिस भी हर्फ का मखरिज मालूम करना है उससे उस हर्फ पर जो है वो जज़्म लगा देंगे, तो जब आप उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसकी अदायगी में जहाँ पर आपकी आवाज़ रुकेगी वो आपका मखरिज होगा। जिस तरह के हमजा जबर कॉफ जब आप पढ़ते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके जुबान का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो ऊपर नरम तालू से जो है वो लग रहा है। हरकात के बारे में सीखा था हमने, सादा हरकात के मुतालिक भी सीख लिया था और तनवीन के बारे में। आगे है खड़ी हरकात। खड़ी हरकात में खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश आती है और इनको जो है एक अलिफ के बराबर जो है वो लंबा किया जाता है। यानी कि जिस तरह की आप किसी भी हर्फ के ऊपर अगर खड़ी जबर या खड़ी जेर या उल्टा पेश आ जाए तो हम उसे एक अलिफ के बराबर जो है वो लंबा करें। इस तरह के यहाँ पर आप लोगों को साइड पर मिसाल दिखाई दे रही है कि मूसा, इस सीन के ऊपर जो है वो खड़ी जबर है तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे मूसा, एक अलिफ के बराबर जो है वो लंबा करके इसे पढ़ेंगे। इस तरह के तनवीन में हमने पढ़ा था कि इसके जो है खारिज में कोई तब्दीली नहीं आती, तो इसी तरह जबर जेर पेश और फिर जबर उल्टा पेश इनकी सूरत में भी जो है मुखारिज की अदायगी में कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं आती। यानी कि मखरिज अगर आपने कॉफ खरी जबर कॉ के साथ जब आप उसकी अदायगी करनी है तो इसके मखरिज में कोई कमी नहीं आएगी। तो आज जो है जबर जेर पेश और तनवीन और खड़ी जबर उल्टा पेश को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है हम नेक्स्ट तलावत जो है सीखे। जिनके बैकग्राउंड के पीछे आवाज नहीं है वो अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم आप सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم अब जिस तरह की यहाँ पर तावुज़ और तस्मिया में तावुज़ में वा के ऊपर खड़ी जबर है तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करें और तस्मिया में मीम के ऊपर खड़ी जबर है तो हम इसे एक अलिफ के बराबर लंबा करें। بسم الله الرحمن الرحيم
ومن حيث जिनके माइक के पीछे आवाज है ना प्लीज वो अपना माइक ऑफ रखें। ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت خرجت فولي وجهك فولي وجهك شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرًا اس واو کے اوپر پیش ہے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
कि जो लोग इल्म हासिल करने के लिए चलते हैं जाते हैं तो ऐसे लोगों के रास्ते में फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। तो मैं ये सोची थी कि ऑनलाइन क्लास में तो हमें कहीं जाना नहीं है ना, हमें तो बस यही करना है कि अपने घर में ही किसी कमरे में हमें साइड पे होके बैठना है, मगर हकीकत यह है कि हम मतलब कम से कम 2-3 घंटे से पहले से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं कि मैंने क्लास लेनी है। हम अपने काम वाइंड अप करते हैं, अगर हम सो रहे हैं तो बर वक्त जागते हैं, नमाज असर अदा करते हैं, कोई चाय पीते हैं, जो भी काम अगर कुछ एक दो करने हैं वो करते हैं ताकि हम बर वक्त क्लास के अंदर शरीक हो सकें। तो वो जो काम आप चलते हुए कर रही होती हैं, आप महसूस करें कि उस सारे वक्त के दौरान, क्योंकि आप उस सारे काम को एक कुरान क्लास लेने के लिए ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं, तो उस सारे वक्त के दौरान फरिश्ते आपके पैरों के नीचे पर बिछा रहे होते हैं। जरा तसव्वुर करें कि ऐसा बंदा किस कदर अल्लाह ताला को पसंद आता है, और अल्लाह की पसंद ही फरिश्तों की पसंद होती है। फरिश्ते भी सीधा उसी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिस दिल के अंदर अल्लाह ताला की याद जागती है, तो फरिश्ते भी भाग के उसी की तरफ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछाने का मतलब ये है कि वो उसका एजाज और उसका इकराम करते हैं। तो माशाल्लाह आप सब उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने चुना और इस काम के अंदर आप सबको शामिल किया। आज सूरतुल बकरा की क्लास में हम आयत नंबर 235 से लेके 242 तक का मुतालिया करेंगे। हमने पिछली दफा जो पढ़ा था 235 तक की आयत, 35 तक तो नहीं पढ़ी थी हमने मरियम, 234 तक पढ़ी थी हमने। इसके बाद की जो एक लंबी आयत थी ना वो मैंने छोड़ दी थी कि हम उसको अगली दफा पढ़ेंगे। 235 नंबर आयत आज पढ़ेंगे और 242 तक हम इसका मुतालिया करेंगे। नेक्स्ट करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر فی ما عرضتم به عرضتم جو تم اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ عرضی کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، عرضتم کا مطلب ہے کہ جو تم نے اشارے میں کہا، پردے میں بات کہی، وہ چیز इसका आइन रो जोद इसका रूट वर्ड है ना, और इसका लफ्जी तर्जमा है लुगत में कि वो चीज जो दूसरी चीज की वजह से कायम हो, जैसे बीमारी जो किसी दूसरे मर्ज की वजह से हो, जैसे बुखार की वजह से सर दर्द भी होने लग जाता है। तो अरस तुम यानी असल तो तुम्हारा मकसद जो है वो निकाह है, मगर तुम कोई इशारा इस तरह से दो, तुम ऐसा खुफिया इशारा दो मैं खुतबत निसाई औरतों की साथ मंगनी के लिए, तो औ अकनाम तुम फी अंफुसिकुम या तुम उसे छुपा के रखो अपने दिल में। अलिम अल्लाहु जान लिया अल्लाह ने अन्नकुम ये कि तुम सतस गुरुना जरूर तुम जिक्र करोगे खुन्ना उन औरतों से, वलाकिन और लेकिन ला तुवाइदू हुन्ना नहीं तुम अहदों पे मान करना नहीं तुम वादा करना हुन्ना उन औरतों से सिर्रन खुफिया इल्ला तकूलू मगर ये कि तुम कहो कौलम मारूफा मारूफ बात या मारूफ तरीके से बात करो, वला तअज़िमु उक़दतन निकाही और नहीं तुम आज़म करो इरादा करो निकाह की गिरा बांधने का, हत्ता यबलुगल किताबु अजला यहाँ तक के किताब अपनी अजल को पहुंचे। यहाँ किताब से जो मुराद है यहाँ किताब से मुराद वो उसकी इद्दत की जो मुद्दत है ना, अल किताब लिखी हुई चीज को कहते हैं ना, रिटन चीज जो होती है, तो किताब से मुराद है वो लिखी हुई मुद्दत, कि वो जो लिखी हुई मुद्दत है यानी इद्दत की मुद्दत, जिसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बेवा की इद्दत जो है वो 4 माह 10 दिन है और मुतल्लिका की जो इद्दत है वो 3 माह है, मगर यहाँ पे बात बेवा की हो रही है, मुतल्लिका की इद्दत की बात नहीं हो रही कि उस इद्दत के दौरान तुम उसे कोई खुफिया इशारा दे दो निकाह का या मंगनी का या जो भी, ये उसकी बात नहीं हो रही। जो मुतल्लिका की इद्दत होती है उसमें तो उसी शोहर के साथ ही
उसके ताल्लुक को बेहतर बनाने की जद्दोजहद होनी चाहिए ना, तो ये उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ अल किताब से मुराद बेवा की इद्दत है, अजल हो अपनी अजल। वालमु और जान लो, अन्नल्लाहा यालमु ये कि अल्लाह जानता है, मा फी अन्फुसिकुम जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, फाहज़रू तो उससे डरो। वालमु और जान लो, इन्नल्लाहा गफूरुन हलीम बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला बुर्दबार है। ला जुनाह अलैकुम तुम पर कोई गुनाह नहीं। अच्छा इस सफ़े पर देख लें, अरस तुमने इशारे में कहा, पर्दे में कहा। तअरिजू से है ये लफ्ज, माजी जमा हाजिर मुजक्कर है। अकनन तुमने छुपाया, इकनान उनसे है ये लफ्ज, और माजी जमा हाजिर मुजक्कर है। अकन्ना और युकिन्नु इसका असल लफ्ज है। ला तुआइदू तुम नहीं वादा करो, मुआइदा तुन से है ये लफ्ज, नहीं जमा हाजिर मुजक्कर। ला तअज़िमु मत अज़म करो, अज़म करो मत पक्का करो, अज़मुन से है ये लफ्ज अज़म या अज़िमु। इहज़रू तुम डरो, हज़रा से अमर जमा हाजिर मुज़क्कर, हाजिरा या ज़िरू असल लफ्ज है। और अस्मा जो है वो खितबा पैगाम निकाह को कहते हैं, और उकदा जो है वो गिराह को, रुकावट को, मुश्किल काम को, बंदिश को। उकदतन निकाह जो है वो निकाह की गिराह को कहते हैं, वो ऐसी निकाह एक ऐसी नॉट होती है, कैसी मजबूत गिरा होती है, फिर अब जिससे निकलने का खोलने का तरीका होगा, ये या तो तलाक होगी या खुला होगा, और उसका इसी तरीके से उसको खोला जाएगा। नेक्स्ट करो। वला जुनाह अलैकुम नहीं है कोई, इससे अगली स्लाइड कर दो बेटे, नहीं है कोई गुनाह तुम पर। यहाँ तक अच्छा पीछे करो, ठीक है इससे आगे वाली ही करो, सही है। अच्छा अभी शायद को हम देख लेते हैं, चूंकि बेवा की चल रहे हैं। पिछली दफा हमने ये पढ़ा था कि एक बेवा औरत जो है, नेक्स्ट करो स्लाइड, एक बेवा औरत जो है वो 4 माह 10 दिन अपने आप को रखेगी। और हमने ये पिछली दफा इसके मसाइल को समझने की कोशिश की थी कि एक बेवा जो है वो अपनी इद्दत जो है वो वहीं पे गुजारेगी जहाँ उसके शोहर का इंतकाल हुआ है, इल्ला ये कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हों, कुछ चीजें कुछ मसाइल इस तरह से हों, जैसे वहां पे कोई अगर रहने का कोई हिफाजत का तहफ्फुज़ का कोई मसला है तो वो किसी आलम दीन से पूछ के उसकी किसी राय में वो अपनी जगह जो है वो उसको बदल सकती है, वरना तरजीहन उस पर रहना वही है जिसका इंतकाल हुआ है। और ये कि उसे अपनी खुशबू नहीं लगानी, देवजीनत नहीं करनी, मेहंदी सुरमा, अगर वो बालों को कलर करती है तो इद्दत के दौरान उसे अपने बालों को कलर भी नहीं करना, और यानी वो सब जो आयमा कराम है बड़े वो इसी के कायल हैं कि वो वहीं पे अपना वक्त गुजारे जहाँ पे वो उसके शोहर का इंतकाल हुआ। तो अब आप देखें कि यहाँ उससे आगे बात आ रही है कि अब उस टाइम पीरियड में इद्दत के दौरान और उसके बाद फिर अब वो औरत उस शोहर से आज़ाद होगी, है ना, अमलन उसके शोहर का इंतकाल हो गया है, तो वो जो पाबंदियां शोहर के हवाले से उसके ऊपर थीं वो इद्दत का जमाना रहेंगी, मगर उसके बाद अब वो उससे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गई है। और शोहर की जो इद्दत का जमाना है, इसको हमने पिछली दफा ये भी समझ लिया था कि ये औरत का ये ख्याल, औरतों का ये ख्याल है कि ये उसके शोहर का हक है, मरने वाले का हक था, इसलिए मैं इद्दत को निभाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है मेरी अजीज बहनों, हमने इसे पिछली दफा पढ़ा था कि ये अल्लाह का हुक्म है, बस अल्लाह के हुक्म के साथ इसको पूरा करना है। और अब आज की आयत जो है ना वो नेक्स्ट, अब इससे एक अगली चीज है कि वला जुनाह अलैकुम फी मा अरस्तुम बिही मिन खुतबतिन निसाई औ अकननतुम फी अनफुसिकुम मिन खुतबतिन निसा, ये कि कोई गुनाह नहीं तुम पर अगर तुम छुपा के दो, खुफिया दो, खुफिया इशारा करो औरतों को के साथ मंगनी का, उन औरतों, यहाँ अन्निसा से मुराद वो औरत है जो जिसके शोहर का इंतकाल हो गया। आओ अकनाऊ तुम फी अनफुसिकुम या तुम उसे छुपाओ अपने दिल में, अल्लाह ताला उसे जानता है और वो जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या बात है, और तुम उसका जिक्र उन औरतों के साथ करोगे ही
लेकिन वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन मगर ये कि तुम उनके साथ कोई खुफिया वादा नहीं करना, मगर ये कि जो बात भी करोगे वो मारूफ तरीके से करोगे। और निकाह की गिरा निकाह का अजम इरादा अहद तब ही करोगे जब वो अपनी इद्दत को पूरा कर चुकी होंगी, और जान लो कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, अल्लाह से डरो। फाहज़रू का लफ्जी तर्जमा अल्लाह के गजब से बचो, अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह के डर और खौफ के साथ ही तुम्हारे दिल के अंदर ये बात हो कि तुम औरतों के साथ, उन औरतों के साथ जो हालत इद्दत में है, एहतियात के साथ मामला करोगे। और एहतियात किस बात में करोगे कि तुम उन्हें कोई खुफिया इशारा मंगनी का या नहीं दोगे, अगर दे दो तो जो या उसे दिल में रखो, मगर जो कुछ भी करोगे तुम उसे कौले मारूफ के साथ करोगे। यहाँ पर जो पूरी आयत के अंदर जो असल जो स्ट्रेस जिस लफ्ज के ऊपर है वो क्या है, कौले मारूफ। अब कौले मारूफ क्या है कि अब वो औरत चूंकि अरबों के हाथों और भी जल्दी से ये काम होते थे कि बेवा हो जाती थी तो मतलब जल्दी जल्दी से दोबारा शादियां करते थे, और वहां पे हमारे मौशे की तरह इस तरह अलग से औरतों का ज्यादा तन्हा रहने को कुछ ज्यादा जो है वो नहीं समझा पसंद अच्छा नहीं समझा जाता था, बल्कि जल्दी ही दोबारा निकाह कर लेते थे। तो ये एक हदीस मैंने समझने के लिए इस चीज को एक दो हदीस आपके सामने रखी है। ये हदीस जो है वो हजरत उकबा बिन अबी आमिर से रिवायत है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कला इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो औरतों के पास दाखिल होने के लिए। यानी ये बहुत जिम्मेदाराना बात है कि औरतें हों कहीं और तुम ये कहो कि मैंने उनके पास जाना है। फ़क़ाला रजुलुम मिनल अंसारी, तो एक आदमी ने जो अंसार में से था उसने कहा या रसूलल्लाही ए अल्लाह के रसूल अफ़रअयतल हमवा, के जो हमवा है उसके बारे में क्या ख्याल है। कौल हमुल मौत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमू तो मौत है। कौल व फिल बाब अन उमर जाबिर व अम्र इब्न अल-आस, तो इसी बाब में हजरत उमर और हजरत जाबिर और अम्र इब्न अल-आस कहते हैं। कौल अबू ईसा, अबू ईसा से रिवायत करते हैं हदीस उकबत इब्न आमिर हदीस हसन और सहीह, और इसी तरह की हदीस जो है वो हजरत उकबा बिन आमिर से एक सही हदीस रवायत है। और वो हदीस क्या है कि इन्नमा मग माना कराहियत दुखूल अलन्निसाई अला नहवी मा रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا يخلب يخلون رجل بامراه الا كان ثالثهما هما الشيطان, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के पास जाने से ममानियत का मतलब इसी तरह है जैसे आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स किसी औरत के पास हो तन्हा हो तो तीसरा शैतान होता है, तीसरा शैतान होता है। अब आप देखें कि ये एक हदीस हमें तन्हाई में औरतों और मर्दों के इख्तलात से मना करती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हमें क्या बात समझा रहे हैं कि जब एक मर्द और एक औरत तन्हा होते हैं तो तीसरा उनके साथ शैतान होता है। अगर इस हदीस को और ये जो देवर के बारे में जो कहा गया कि ये मौत है, मतलब ये कि वो देवर तो एक ऐसी ऐसा है शख्सियत आमतौर पर शोहरों की उम्रों में और देवरों की उम्रों में जो है वो साल साल दो दो साल का ही फर्क होता है, यानी शोहर जितना जवान होता है देवर भी उतना ही जवान होता है। और ऐसे में एक नौजवान बीवी जो है वो ब्याह के घर में आ जाती है, और हमारे यहाँ जो है वो मर्दों और औरतों के दरमियान मजाक, और फिर जो नई दुल्हन है उसने दिन रात बन संवर के रहना है उसी घर में रहना है, तो अब वो शैतान जो है ना वो इस रिश्ते के अंदर खास नकब लगाता है। शौहर अगर काम पे चला गया और देवर घर है तो देवर और भाभी की जो बेतकल्फी है आम तौर पर वो कई तरह के मसाइल घरों के अंदर पैदा कर देती है। तो चुनाचे मौत का मतलब ये है कि इस रिश्ते में जैसे तुम्हें किसी चीज से डर हो कि तुम्हें मौत आ जाएगी,
तो इस तरह तुम इस रिश्ते में एहतियात करोगी। इस तरह जो मर्द भी है वो भी किसी औरत के हवाले से ऐसे एहतियात करेगा कि अगर वो इस सिचुएशन में दाखिल हो गया तो जैसे उसको मौत ही आ जाएगी। तो आपने देखा कि इस हदी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ये कहा कि अब तुम औरतों से चाहे उन्हें खुफिया कोई इशारा दे दो या तुम अभी इस बात को दिल में जो है वो रखो, बेवकी की हालत में औरत चूंकि बहुत गमगीन होती है, उसके शोहर का साया उसके सर से उठ गया होता है और आमतौर पर वो एक शदीद गम और अलम की कैफियत, तो अगर इस सूरत हाल में तुम उसको अगर सिर्फ ये पैगाम दे दो कि राबे आपका माइक खुला हुआ है, माइक बंद करना, तो अगर तुम इस सिचुएशन में उसको ये पैगाम दे दो कि मैं जब तुम्हारी इद्दत खत्म हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए हाजिर हूँ, मैं तैयार हूँ, या तुम इस बात को दिल में रखो, ये अल्लाह ताला कहते हैं इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये जो भी अमल होगा ये मारूफ तरीके से होगा। अब मारूफ क्या होता है? मारूफ ये है जो माशरे में आम तौर पर जिन चीजों को अच्छा समझा जाता है या काम करने का जो दुरुस्त तरीकाकार होता है, सही तरीकाकार होता है। अब आप मुझे बताइए कि हमारे यहाँ बेशक माइक खोल ले, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप माइक खोल के मुझे मेरी किसी बात का जवाब देती हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ अगर किसी को पसंद हो कोई लड़की उससे शादी करना चाहे, क्योंकि अगर कोई लड़का है और उसे कोई या मर्द है तो औरत उसे कोई पसंद आ जाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। हरज जो है ना वो इससे आगे के मामलात में शुरू होता है, और अगर वो मतलब बस खेल रहा है और जो है वो उसने खुफिया एक आशनाई बनाई हुई है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर उसने उससे शादी ही करनी है तो वो शादी का पैगाम किस तरीके से देगा, वो मारूफ तरीका क्या है हमारे यहाँ? यानी कि वो इस बात, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इस बात का वो इजहार अपने घर के बड़ों से करे और उनके जरिए पैगाम भेजे, ये ना कि खुद ही फोनों पर ये चोरी छुप के खुद जाके बातें कर रहा है, जो अपना इजहार कर रहा है बार बार उसको तंग करने के लिए या उसको बताने रियलाइज करने के लिए। मारूफ तरीका तो यही है कि वो अपने घर के बड़ों से बात करे और वो बड़े जो है वो खुद उससे बात करें, लड़की से जो भी है उनसे बात करें। बेवा की बात हो रही है और कमाली के लिए तो बदरजा उला ये वाला तरीकाकार होगा ना, कुंवारी बच्ची के लड़की के साथ अगर उसको से शादी का पैगाम देना है तो उसको प्रेफरेबल यही तरीका, मारूफ तरीका यही है कि वो अपने बड़ों से बात करे, अपने घर वालों से बात करे। अच्छा, अगर वो घर वालों से बात करता है तो कोई और बताए कि इसका फायदा क्या होगा, अपने खानदान को घर को शरीक करता है, और क्या खुफिया शादी का कुछ तसव्वुर है इस्लाम में? व्हाट इज खुफिया शादी? अगर मुझे बताएं वो अपने घर वालों को क्रॉस करके डायरेक्ट पैगाम लड़की को देता है तो इसका नुकसान क्या होगा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपनी बात करने के लिए बस माइक खोला करें फिर फौरन दोबारा बंद कर दिया करें, अगर एट अ टाइम बहुत से लोगों का माइक खुला होना तो फिर बीच में शोर आता है, अपना बात करने के लिए माइक खोलें साथ ही बंद कर दें। ठीक है, चलें। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं? अगर कोई लड़का वो लड़की किसी से शादी करने के लिए जो मारूफ तरीका है वो उसको क्रॉस करता है, वो मारूफ तरीका इख्तियार नहीं करता तो इसका नुकसान क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम इसका नुकसान ये होगा कि एक तो माशरे में बेराहरवी बढ़ती है, दूसरी आखिर में दोनों घरों के ताल्लुकात खराब ही होते हैं जो हमारे मुशाहिदे ने बात आती है, और मैम तीसरा ये कि काम होता भी नहीं है, मतलब गैर मरूफ हो जाता है, ठीक नहीं होता ये काम, तो अगर वो घर वालों को बातें करता है तो उसके सारे असरा जो है वो पॉजिटिव होते हैं। बेशक, और घर वालों के दिलों में कोई मनफी ख्याल कोई मनफी जज्बा नहीं होता इस मसले में। अच्छा, कोई और बताए, आप कोई और माइक खोल लें, आप बंद कर दें, कोई और इस चीज का जवाब दे कि अगर वो मारूफ तरीका इख्तियार करता है
तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? यानी मारूफ तरीका ये है कि वो अपने घर वालों को शामिल करता है, अपने घर वालों का दिल बनाता है, जहन बनाता है। हाँ, घर वालों की तरफ से भी अच्छा एक नुकसान जो है ना वो ये होगा कि वो चूंकि जज्बात में ही फैसला कर रहा है ना, नुकसान जो बताए अभी इकरा ने वो बहुत अच्छे एक दो तीन करके बताए बहुत अच्छे तरीके से। एक नुकसान ये भी होगा ना कि घर वाले जो है वो अपने वो तो सोचेगा उसको जज्बात में इमोशंस के साथ, तो बहुत सारी रियलिटीज उसकी नजरों के सामने नहीं आ सकेंगी, लेकिन घर के बड़े वालिदैन शामिल होंगे, इधर उधर से बाकी लोग जब शामिल होंगे तो फिर डेफिनेटली जज्बात से ऊपर हकीकत पसंदी के साथ चीजों का जायजा लिया जाएगा और बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, तो फैसला बड़े अच्छे तरीके से हो सकेगा। और ऐन मुमकिन होता है कि खानदान और घर वाले राजी ना हों, तो अगर घर वाले राजी ना हों तो फिर क्या किया जाए? जल्दी बताएं। बुशरा आपका माइक खुला है, आप बोल रही हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। बुशरा की तो मुझे आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? नहीं आ रही मैम। हाँ नहीं आ रही ना, बुशरा की तरफ मुझे लगता है सिग्नल प्रॉब्लम है कोई, तो कोई और बता दे। मुसरत आप बताइए। मैम भामी मशावरत से कोई फैसला किया जाए या फिर दे दिल आके कुछ इद्दत के बाद उसको रुखसत कर दिया जाए? तो बात हो रही है कि खुफिया आशनाइयां, अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम छुपा के उसको पैगाम दो तो या तुम उसको उसको दिल में रखो, तो जो वो खुफिया पैगाम देना है यानी मतलब यह है कि वो भी कौले मारूफ ही होगा, मारूफ तरीके से होगा, उससे हटेगा तो नहीं? या इससे मुराद ये तो नहीं है कि हम फोनों पे और मैसेजेस के जरिए से हम खुफिया जो है वो उन्हें सेटिस्फेक्शन दे दें उन औरतों को लड़कियों को कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और उसके बाद वो सारी खराबियां जो हमारे मुआशरे में है आजकल, तो जी मैं मतलब उसमें तस्वीरें मंगाना एक दूसरे की और मैसेजेस और फिर इतना कुछ हो जाता है मुलाकातें और अल्लाह माफ करे कि इंतहा हदें ही सारी टूट जाती हैं, तो उन हदों के साथ क्या होता है फिर? माशरे में बुराई जन्म लेती, बहुत बुरी जन्म लेती है। हाँ, इसलिए इस आयत को ना अच्छी तरह से हमें समझना है कि इस्लाम जो है वो खुफिया ताल्लुकात की कोई गुंजाइश नहीं देता और ना ही खुफिया निकाहों का कोई तसव्वुर है। अगरचे कानूनी और शरई तौर पर देखें तो लड़का फिर बगावत करता है अपने खानदान से और लड़की भी बगावत करती है अपने खानदान से, तो ऐसे में ऐसी सूरत में अदालतें जो हैं वो वली का किरदार अदा करती हैं और वो अदालत में जाके जो कोर्ट मैरिज जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं, तो अदालत जो है वो वली बन जाती है और वो निकाह हो जाता है। लेकिन जब ये मारूफ तरीके से ये सब कुछ नहीं होता तो वो कभी भी दोबारा वो वाला मकाम वो वाली इज्जत वो नहीं हासिल कर पाता, उस मकाम और इज्जत को वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा जो एक मारूफ तरीके से किया गया काम होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो कहा कि ला जुनाह अलैकुम, किस बात में कोई गुनाह नहीं है अगर तुम उन औरतों को दौराने इद्दत कोई निकाह का पैगाम दे दो तो, या तुम्हारे दिल में उन औरतों का ख्याल आ रहा है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं वो जानता हूं कि तुम लाजमन उनसे जिक्र करोगे, लेकिन वलाकिन ला तवाइदुहुन्ना सिर्रन, लेकिन तुम कोई खुफिया वादा उनसे कोई छुपा वादा उनसे नहीं करना। तो जब अगर लड़का जो है और मर्द जो है वो लड़कियों के साथ खुफिया वादे कर रहे होते हैं जब लड़के,
तो लड़कियों को उन खुफिया वादों के बारे में क्या सोचना चाहिए? पहले ही लाइनें सीधी हो जाती हैं, पहले ही रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं और उसके नतीजे में बहुत मसाइल पैदा होते हैं। खुद जज्बाती जो सेट बैक्स लड़कियों को लगते हैं, जज्बाती तौर पर वो नफसियाती मरीज बन जाती हैं और उनके मसाइल गंभीर हो जाती हैं, खौफनाक हो जाते हैं। तो कौले मारूफ ये है। और अब आप ये देखें कि जो खुफिया आशनाइयों में और जो मौजूदा जो मीडिया है वो इन आशनाइयों में जो मोहब्बत का एक रंग हमें दिखाता है वो बिल्कुल एक इवल जो है वो इमोशंस होते हैं, शैतानी जज्बात होते हैं जो इंसान के हवास पर इस तरह से छा जाते हैं कि उसे ऐसे लगता है अगर वो उसको वो लड़की नहीं मिली ला, या लड़की को ऐसे लगता है कि अगर वो उसे वो लड़का नहीं मिला तो वो तो मर जाएगा, खुदकुशी कर लेगा वो, और कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो दो है ना उनमें तीसरा शैतान आके बैठ जाता है। क्या होता है? तीसरा शैतान आके बैठ जाता है, दीन का इल्म ना होने की बिना पर। हाँ, जो ये सारी वो अपना काम करता है। तो मेरी अजीज बहनों, हम बेशक बड़ी औरतें भी हों, शादीशुदा भी हों, बच्चों वाली भी हों, जहां हमें लगे कि मैं अकेले किसी को साथ में ले सकती हूँ, कोई अपनी बहन, कोई हमसाई, कोई बाजी, कोई अम्मी, कोई सास, कोई नानी, कोई दादी, तो साथ लेके ही अगर किसी मर्द के साथ कोई मामला, कोई इवन कोई ऑफिशियल मामलात, कुछ चीजें तय करनी होती हैं, कोई काम कहना है, कोई काम करना है, तब भी हमारे यहाँ जो मखलूत माशरा बन गया है दफातर के अंदर मर्द और औरतें अकेले, और रास्तों में गाड़ियों के अंदर, और अल्लाह माफ करे, और सोशल मीडिया तो एक बिल्कुल एक जो है वो शैतानी जो पूरी वेब है ना, जिसने पूरी दुनिया को अपने उसमें लिया हुआ है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तुम जो भी बात करोगे वो कौले मारूफ से करोगे, मारूफ तरीके से करोगे, और जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उस वक्त तुम उनके साथ निकाह कर सकते हो। मरियम की साइड पे भी शायद लाइट चली गई है, इसलिए उसकी वो स्लाइड जो है वो रह गई है। तो चले हम बाकी क्लास इसी तरह से पढ़ लेते हैं, बगैर स्लाइड के ही पढ़ लेते हैं। ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, इन तलक्तुमुन निसाअ, अगर तुम तलाक दो औरतों को, मा लम तमस्सूहुन्ना, जिनको अभी तुमने नहीं छुआ, औ तफ़रिज़ु लहुन्ना फ़रीज़ा, या अभी नहीं तुमने उनके लिए मुकर्रर किया कोई फरीजा। फरीजा से यहाँ मुराद मेहर है। फरीजा से क्या मुराद है? मेहर। वमत्तिउहुन्ना, और दो उनको, यानी उनको कुछ ना कुछ दे दो। अब ये उन औरतों से मुराद है ना जिनको छुआ नहीं है, अभी मियां बीवी का कोई ताल्लुक आपस में मुकर्रर भी नहीं हुआ और उनका कोई मेहर भी मुकर्रर नहीं हुआ। तो हुक्म क्या है? मत्तिउहुन्ना, उनको कुछ ना कुछ दे दो। अलल मौसी कदर कदर हो, जो वसत वाला है, मौसी का मतलब है वसत वाला, तो कदर कदर हो उसको उसकी कुदरत के मुताबिक, अलल मुख्तरी कदर हो, और जो तंग दस्त हो उसको उसकी मुकदरत के मुताबिक, मताअम बिल मारूफ, मारूफ तरीके से उनको देना है, हक्कन अलल मुहसिनीन, ये हक है एहसान करने वालों पर। इस आयत को अब आप देखिए कि तलाक के मसाइल में यहाँ पे अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वो औरतें जिनको तूने अभी छुआ भी नहीं, सम टाइम वो औरत रुखसत होकर घर में आ चुकी होती है और कभी वो अपने ही घर में होती है और हालात बिगड़ जाते हैं। तो मतलब अब घर में आ गई है, मियां बीवी के दरमियान अभी कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ, छुआ ही नहीं। मालम तमस्सू हुन्ना औ तफ़रिज़ु लहुन्ना फ़रीज़ा, और अभी कोई मेहर भी मुकर्रर नहीं हुआ मगर निकाह का अकद हो गया है, माहिदा हो गया है, अब दोनों के दरमियान तलाक वाली बात हो गई है। तो अल्लाह ताला, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि ये इसी स्टेज पे जो तलाकें होती हैं वो क्यों होती हैं? अभी तो मियां बीवी आपस में मियां बीवी भी नहीं बने,
और अभी तो मेहर की रकम ही मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन आम तौर पर ये तलाकें होती क्यों हैं, इसी स्टेज पर जो हो जाती हैं। क्या वजह होती है उसकी? जी बुशरा, आप कुछ कह रही हैं? और मैं डिस्कस कर रही थी कहीं पर घर वालों में कोई मसले मसाइल होते हैं कि जैसे कोई पर्दा करना चाहते हैं, कोई नहीं करना चाहते, कुछ दीन पे चलना चाहती हैं, कुछ ज्यादा लिबरल हैं, ये भी आजकल बहुत ज्यादा देखने में बात आ रही है। बिल्कुल सही है। और कुछ मसाइल आ जाते हैं, कुछ जेज पे आ जाते हैं, या कुछ फैमिलीज के आपस में रिलेशन नहीं सही होते। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा तजिया आपने रखा है कि वो गलत फहमियां फिर बस इधर उधर की बातों से और घर वालों की, यानी लड़के और लड़की से अबाव दोनों की फैमिलीज के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपस में बन जाती हैं, और उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ही उसी मरहले पर आपने जो सारी वजूहात बताई कि कभी जहेज का मसला है, कभी कोई बड़ों में कोई बात हो गई और मामला जो है तलाक तक पहुंच गया है, और एक मैं जगह पे पढ़ रही थी कि आजकल जो ब्यूटी पार्लर्स जो लड़कियों को तैयार करते हैं तो वो इस कदर शक्ल ही बदल देते हैं, हाल हुलिया ही बदल देते हैं, कि जो असल शक्लो सूरत होती है जब वो बेचारी धो धा के सब कुछ बाहर आती है तो उसकी असली शक्लो सूरत ही कुछ और ही बनी हुई होती है ना, तो ये भी एक वजह होती है। और इस तरह आपस में बातें यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, तो ये सारी चीजें भी गलत फहमियों का सबब बन जाती हैं। तो अल्लाह ताला जो मर्द को अब जो आला अखलाक सिखा रहे हैं वो क्या है कि वो उनको फिर भी कुछ ना कुछ दे दे, ना भी मेहर तो मुकर्रर हुआ ही नहीं, मेहर तो मुकर्रर हुआ ही नहीं है कि अब कोई मुकर्रर हुआ हो तो उसकी कोई जो है वो कोई मकदार मुकर्रर की जा सके, और अभी कोई मियां बीवी भी आपस में वो नहीं बने, ठीक है। तो अब जिस चूंकि इससे उस लड़की बेचारी की रेप्यूट को, उसकी इज्जत को, उसकी जिंदगी को एक नुकसान तो बहरहाल पहुंचता है ना, तो अल्लाह ताला ने मर्द को क्या अल्लाह अखलाक सिखाया कि वो फिर भी उसको कुछ ना कुछ दे दे, और वो जो देना है वो जो वसत वाला हो वो अपनी कुदरत के मुताबिक दे, और जो तंग दस्त है वो अपनी कुदरत के मुताबिक दे, और ये जो है ना मारूफ तरीके से दिया जाए। यानी कहां तो ये कि मामलात इतने तलख हो चुके हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, और कहां तो ये कि इधर की बातें उधर, और कहां तो ये कि कत्ल तक, कत्ल और गारत गरी तक की मामलात समटाइम पहुंचे हुए होते हैं, और कहां अल्लाह ताला क्या सिखा रहे हैं, मत्तिउहुन्ना, है ना, दो उनको, और क्या सिखा रहे हैं, मताम बिल मारूफ हक्कन अलल मुहसिनीन, ये तो हक है एहसान करने वालों पर, और एहसान सिखाया अल्लाह ने ऐसी तलख सूरत हाल में भी एहसान का मामला रखना बेशक बहुत बड़े जरफ की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि फिर भी एहसान का मामला रखे, और उस औरत को जो अभी उसकी बीवी तो बन गई मगर वो अमली तौर पर अभी उसके पास नहीं आई थी, वो फिर भी उसको कुछ ना कुछ दे के रुखसत कर दे। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو ان کو مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور اب ایک سچویشن کیا ہے کہ تم ان کے لیے کوئی نہ کوئی مہر، فریضہ سے یہاں بھی مراد مہر ہے، کہ تم وہ مہر مقرر کر چکے ہو تو کیا کرو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو پھر آدھا ہے جو تم نے فرض کیا ہے، جو جو مہر کی جو رقم مقرر کیا ہے اس کا آدھا اس کو دے دو، الا ان يعفونا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، الا ان يعفونا یعنی وہ عورتیں جو ہیں وہ مہر کو معاف کر دیں، مگر یعنی ابھی ان کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا مگر مہر کی رقم مقرر ہو گئی ہے
और इस सूरत में अगर जो है वो तलाक की नौबत आ जाए तो फिर आधा मेहर दिया जाएगा। और पिछली दफा हमने इस चीज को भी समझा था कि जो निकाह कर देते हैं ना, पहले निकाह कर देने की बात बहुत आती है और बकायदा फिर हम गिले शिकवों में इसको भी एक शिकवा बनाते हैं कि अगर पहले निकाह कर दिया जाता तो मियां बीवी में कुछ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और दोनों की आपस में कुछ सेटिंग हो जाती। हालांकि वो सेटिंग जो है ना वो बस फिर अपनी इंतहाई दर्जे पर चली जाती है और मसले जो है वो इद्दत और मेहर के आ पड़ते हैं। तो मेहर अगर तो मुकर्रर, अब उसने छुआ है अगर उसको, उसको वो मियां बीवी वाला ताल्लुक बना लिया है तो इद्दत अब उसने पूरी गुजारनी है चाहे वो रुख्सत नहीं हुई हुई। तो रुख्सत ही असल चीज नहीं है, असल तो शौहर और मियां बीवी का जो ताल्लुक है वो असल चीज है। तो यहाँ क्या सिखाया जा रहा है कि या तो वो औरत माफ कर दे या वो मर्द माफ कर दे, और इस तरह से माफ कर दे कि मतलब वो पूरा मेहर उसको दे चुका है लेकिन निकाह के बाद तलाक की नौबत आ गई है, अभी रुख्सत यानी मियां बीवी बने नहीं है वो, मगर तलाक की नौबत आ गई है तो वो चूंकि पूरा मेहर उसको दे चुका है अमलन अब औरत को आधा मेहर उसको वापस करना है तो वो उस आधे को माफ कर दे, मर्द उस आधे को भी माफ कर दे और कहे कि चलो तुम पूरा ही रख लो। कितना प्यारा दीन है हमारा, कितना खूबसूरत दीन है, कितना प्यारा अखलाक सिखाता है। जबकि हम इंसान कहने को मुसलमान होते हैं मगर हम जो जुल्म एक दूसरे के ऊपर रखते हैं वो एक इंतहा दर्जे की खौफनाक चीज है, इंतहा दर्जे की खौफनाक चीज है। और या अल्लाह ताला कहते हैं कि वअन तअफू, और अगर तुम माफी कर दो अक़रबु लित्तक़्वा, यानी वो जो पूरा है उसे छोड़ दो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। वला तंसउल फज़्ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलूना बसीर, और आपस में एक दूसरे पर फजल को ना भूलो, बेशक जो तुम करते हो अल्लाह ताला उसे देखता है। हाफिजो अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, और हिफाजत करो नमाजों की और खास तौर पर नमाजे सलातिल वुस्ता की। वकूमू लिल्लाही कानितीन, और अल्लाह ताला के लिए फर्मा बरदार बन के खड़े हो जाओ। अब आप देखें कि तलाक के और निकाह के मामलात चल रहे हैं, निकाह की सारी चीजें चल रही हैं और फिर इस उसमें जो है वो ऐन बीच में अल्लाह ताला ने कहा अपनी नमाज की हिफाजत करो। अच्छा, तो नमाज की हिफाजत किसको कहेंगे? तो अब हमें देखें उस आला अखलाक तक जाने के लिए ना जो अल्लाह ताला यहाँ पे सिखा रहे हैं, बड़ी टफ सिचुएशंस होती हैं ये निकाह के बाद जब मामलात बिगड़ जाएं और फिर उन मामलात को एहसान के दर्जे पे रह के इनको इसको निभाना, ये बड़ी टफ सिचुएशंस होती हैं। तो अल्लाह ताला ने उस आला अखलाक तक जाने के लिए हमें जो तरीका कार बताया वो नमाज। तो नमाज की हिफाजत कैसे होगी, कौन बताएगा? अपनी नमाजों की हिफाजत तो करती होंगी आप सब जो क्लासों में मौजूद हैं, वो सब अपनी नमाज की हिफाजत तो करती होंगी। तो मुझे बताएं कि कैसे आप अपनी नमाज की हिफाजत कैसे करती हैं? नमाज को वक्त पे अदा करना, अपने मन को वक्त पे अदा करना। और वालेकुम अस्सलाम मैम, टाइम पे नमाज अदा करते हैं? हाँ, एक बात तो हो गई ना कि वक्त पे नमाज को अदा करना जी। अच्छा, और भी तो हिफाजत के नकात होंगे? जो नमाज में हम पढ़ते हैं उस पे अमल भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी नमाज को समझ के पढ़ें, सही। और अपनी नमाज के लिए अच्छा करना है ना, नमाज के लिए अच्छा सा वुजू करना और किबला रुख होना नमाज के लिए, और क्या नमाज बदी तवज्जो से पढ़ना बदी। हाँ, नमाज को पूरी तवज्जो से पढ़ना।
पाया और अल्लाह ने कहा है हाफिजु नमाज की और फिर सलातिल वुस्ता, वुस्ता कहते हैं दरमियानी चीज को, सेंट्रल चीज को, सेंटर, ठीक है। तो जो सलातिल वुस्ता से मुराद क्या है, बाज उलमा इसे लेते हैं कि इससे मुराद है नमाज असर। और क्यों नमाज असर मुराद लेते हैं, क्योंकि गज़वा जो उहद था उसके मौका पर, एहज़ाब के मौका पर एक दफा ऐसा हुआ, क्योंकि आपने देखा कि वो टनल जो आप बनाई गई थी उसकी हिफाजत बड़ा एक 10 दिन का बड़ा एक जबरदस्त और मुश्किल काम था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज उसमें कजा हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इनकी कब्रें आग से भर दे कि इन्होंने हमारी सलातिल वुस्ता फौत करा दी। तो उससे जो उलमा है वो असर की नमाज उससे मुराद लेते हैं। लेकिन मौलाना ने जो इसके बारे में ये लिखा है वो बहुत जबरदस्त बात है, वो इनके हाशिए में ही से हम देख लेते हैं। पीपीटी तो शेयर नहीं हो रही, यहाँ से देख लेते हैं कि वुस्ता के मानी बीच वाली चीज के हैं, सेंट्रल, और ऐसी चीज को भी वुस्ता कहते हैं जो आला और अशरफ हो। यानी सारी सारी चीजें खूबसूरत है, मगर जो सबसे खूबसूरत है कमरे में दाखिल होते ही आपकी नजर सबसे उस खूबसूरत चीज पे लगे, कोई पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगी हुई है, कोई टेबल लैंप बहुत खूबसूरत है, कोई कमरे के कॉर्नर में कोई फूल बहुत खूबसूरत से पड़े हुए हैं, तो आपकी फौरन अट्रैक्शन उस मोस्ट ब्यूटीफुल चीज पे जाएगी ना। तो वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे आला चीज है उसको भी सलाते वुस्ता कहा जाता है। तो सलाते वुस्ता से मुराद बीच की नमाज भी है और फिर ऐसी नमाज भी जो सही वक्त पर पूरे खुशू और तवज्जो इल्लाह के साथ पढ़ी जाए, जिसमें नमाज की तमाम खूबियां मौजूद हों और बाद का फिक्रा कि अल्लाह के आगे फरमा बरदार बंदों की तरह खड़े रहो, कूमु लिल्लाहि कानितीन। इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी किसी भी नमाज को सलात वुस्ता बना सकते हैं। तो अब आप अपने दिल में ये सोच लें कि आपने पूरा पूरे हफ्ते में रोजाना कम से कम अपनी एक नमाज को सलात वुस्ता बनाना है, सारे दिन में कोई एक नमाज, और अगर वो असर की नमाज ही हो तो चूंकि वो सुन्नत के भी मुताबिक हो जाएगी तो वो बहुत खूबसूरत चीज हो जाएगी, बहुत प्यारी चीज हो जाएगी। फिर फरमाया फइन खिफ्तुम, अगर तुम खौफ में हो, किसी खौफ की हालत में हो, फरिजालन तो पैदल, औ रुकबानन या सवार, फइजा अमिन तुम, यानी चाहे तुम पैदल हो चाहे सवार हो, खौफ की हालत में भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, नमाज बहरहाल पढ़नी है। तो अब मुझे बताओ कि नमाज छोड़ी जा सकती है? तो अल्लाह के दीन में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमाज को कजा करने का बहरहाल कोई तसव्वुर नहीं था, कहीं कोई इक्का दुक्का कजा किसी की होती थी, वरना आम तसव्वुर यही था कि बीमार है, पैदल है, सवार है, नमाज तो अदा करनी ही है। फइज़ा अमन तुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फज़कुरुल्लाह, तो अल्लाह को याद करो, कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून, जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है जिससे जैसे कि तुम इससे पहले नहीं जानते थे। वल्लज़ीना युतवफ़ौना, वो लोग जो फौत हो जाए मिनकुम तुम में से, वयज़रूना अज़वाजा, और अपनी बीवियां छोड़ जाएं, वसीयतन लि अज़वाजिहिम, तो ये वसीयत है उनकी बीवियों के लिए, मताअन इलल हौल, कि वो एक साल तक रुकी रहें, उन्हें दिया जाए नान नफका दिया जाए, मताअन से मुराद है नान नफका, इलल हौली एक साल के लिए, गैर इखराज, उन्हें वहां से उस घर में से ना निकाला जाए, फइन खरजना, फिर अगर वो निकल जाएं, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फी मा फअलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, उस मामले में, अब देखें फिर मारूफ की कैद अल्लाह ताला ने लगाई है, ये नहीं तो रातों रात करो दौड़ गई, ऐसे नहीं, मारूफ तरीके से सबकी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर वो खातून उस घर में से कहीं और जाने के लिए सोचती है, तय करती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं इस पर, इस सिलसिले में उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं,
वैसे ये जो है ना उस वक्त था जब तक अभी अहकामात नहीं नाजिल हुए थे, तो जो बीवियां शोहर मर जाएं और बीवियां हों पीछे तो घर वाले बाकी सब क्या करें कि उनको, अब तो फिर वसीयत के अहकामात उतर आए ना बाद में और वरासत के भी उतर आए, अब तो वो बीवी जो है वो खुद वरासत के बीच में है। आपका माइक खुल गया। वलिल मुतल्लकाती, और मुतल्लका औरतों के लिए, मताअ बिल मारूफ, अच्छे तरीके से उनको नान नफका देना है, हक्कन अलल मुत्तकीन, ये हक है मुत्तकियों पर, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए आयाती अपनी आयतें, लअल्लकुम तअक्किलून, ताकि तुम अकल हासिल करो। ये अल्लाह ताला की जो बहुत कीमती अहकामात हैं सूरतुल बकरा के अंदर, हमने यहाँ तक हमारे वो निकाह और तलाक से मुतल्लक जो अहकामात हैं वो पूरे हो गए हैं। तो ये आयात जब नाजिल हुई और इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई सोसाइटी के अंदर, तो फिर कुछ सवालात पैदा हुए थे इन सारी चीजों में, मतलब इद्दत जो है वो उसका क्या और वो मसाइल सारे, तो फिर अल्लाह ताला ने उन सवालों के जवाब के लिए बाद में सूरत तलाक नाजिल की थी। ये अहकामात ही असल चीज है यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया है। अगर कोई चीज आपकी क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज आप ग्रुप के अंदर जरूर मैसेज डालिएगा, कोई बात अगर आपने पूछनी है तो आप अपनी बात जो है वो उसके अंदर पूछ सकती हैं। और इस हफ्ते आपका काम ये है कि एक तो आपने एक अपनी कुरान क्लास की एक साथी को आपने फोन करना है, उसका हालचाल पूछना है और उसको जो है वो इस क्लास के लिए राजी करना है, खैरियत पूछनी है। और दूसरा काम ये है आपका कि आपने पूरे हफ्ते में अपनी एक नमाज को सलाते वस्ता बताना है। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आपसे पूछेंगे भी कि आपने अपनी किस नमाज को खास तौर पर टारगेट किया। तो अल्लाह ताला आपकी और मेरे हम दोनों के इल्म में बरकत दे और अमल करने की तौफीक अता करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फी कुबूरिना, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ।